हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लाई। गाइस, इफ़ यू आर अ जावा डेवलपर और यू आर अ जावा लवर, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ़ यू लुकिंग फॉर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड सम जावा इक्लिप्स शॉर्टकट कीज़ फॉर जावा, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आई विल डिलीवर सम शॉर्टकट कीज एंड बाई यूजिंग दैट यू विल बी अ ग्रेट कोडर और डेवलपर। सो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर डेवलपमेंट स्किल्स एंड बाई यूजिंग दिस यू कैन इन्हेंस योर डेवलपमेंट एंड यू कैन स्ट्रॉन्ग योर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द शॉर्टकट की। सो लाइक अगर आपको मेन मेथड लिखना होता है, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू राइट मेन मेथड लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो रैदर देन राइटिंग दिस कंप्लीट सेंटेंस आप सिंपली टाइप कर सकते हो मेन प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस, तो ये पूरा पूरा मेन मेथड लिखा जाएगा आपके एक्लिप्स कंपाइलर पे। सो आप इसका यूज़ करके अपने कोड को और भी जल्दी लिख सकते हो। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट स्लाइड एंड फॉर नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज़ फॉर सिस्टम आउट प्रिंट एलन एंड दिस इज़ यूज टू प्रिंट सम स्टेटमेंट। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप यूज़ करते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का, एंड आपको पता है कि इसका वर्क क्या होता है। तो अगर आपको ये टाइप नहीं करना है कंप्लीट सेंटेंस, तो उसकी जगह पे आप टाइप कर सकते हो सिस आउट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस, इससे ये आपका पूरा का पूरा ये राइट हो जाएगा विद डबल कोट, आप उसमें एंटर करके लिख सकते हो। सो ये भी आपका टाइम बचाएगा और अच्छे से आप अगले कोड पे जा सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट शॉर्टकट की एंड दैट इज़ फॉर फॉर्मेटिंग द कोड एंड द फॉर्मेटिंग कोड फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेस्ट डेवलपर। अगर जब भी आप कोई कोड लिखते हो ना, तो उसकी फॉर्मेटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि लाइक कोई भी अगर देखे तो आपको आपके कोड को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए कि आपने किया क्या है, कि लाइक आपका ये पार्ट कोड का कर क्या रहा है, तो फॉर्मेटिंग से ही समझ में आता है। अगर बेस्ट डेवलपर वही कहा जाता है जिसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो, जिसका कोड देखते ही समझ आ जाए। सो लेट्स रीड अबाउट द फॉर्मेटिंग ऑफ कोड। द मेन पर्पज ऑफ कोड फॉर्मेटिंग इज रीडेबिलिटी एंड डिवाइडिंग कोड इन ब्लॉक्स। लाइक अगर आप कोड को रीड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लाइक ये ब्लॉक ऑफ कोड, लाइक अगर मैं किसी कंडीशन की बात करूँ, तो आपने कोई कंडीशन स्टार्ट किया है, तो उसका जब कंडीशन का जब एंड होगा वो उसका पता चले, उसके बाद अगर नेस्टेड कंडीशन है या फिर लूप्स चल रहे हैं, नेस्टेड लूप्स हैं, तो पता चलनी चाहिए कि आपके ये लूप्स कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, और इनके इन लूप्स के अंदर अगर कोई लूप्स है जिसको आप नेस्टेड लूप कहते हो, तो उसके बारे में भी पता चले कि लाइक इसके अंदर ये लूप चल रहा है, एंड देन कमिंग आउट फ्रॉम द लूप, लूप के बाहर जाके आपका स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर रहा है। एंड डिवाइडिंग कोड इन ब्लॉक्स लाइक दिस मेक इट इजियर टू फॉर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड, दस लेटिंग हिम सी प्रोग्राम्स लॉजिक मोर क्लियरली। इट्स इजियर टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड फॉर यू एंड पीपल वर्किंग विद कोड आफ्टर यू। सो अगर आपके बाद कोई अगर कोड करता है, तो उसको ये समझ आ जाए। तो इंडस्ट्री में जब आप आईटी इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो, तो अगर आपका प्रोजेक्ट आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वो प्रोजेक्ट अगर आप किसी को डिप्लॉय करते हो, किसी को देते हो, तो वो चीज़ें आपको ऐसे देना है, ऐसे कोड करना है कि नया बंदा जो आए उस पर काम कर ले। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होती है। आप इसको प्रेस करके कोड जो होगा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो जाएगी उसकी। सो लेट मूव फॉर फोर्थ शॉर्टकट की एंड देन फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ। सो फोर्थ शॉर्टकट इज फॉर रन द कोड, इट्स कंट्रोल प्लस F11। ये तो आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस F11 से कोड रन होता है। कंट्रोल प्लस D की बात करें तो डिलीट इंटायर लाइन। अगर आपका कर्सर जिस लाइन पे ब्लिंक कर रहा है, वहाँ पे आप अगर कंट्रोल D प्रेस करेंगे, तो आपका इंटायर लाइन आप डिलीट कर पाओगे। एंड कंट्रोल प्लस स्लैश टू कमेंट सिंगल लाइन, यानी ये जब आप सिंगल लाइन कमेंट करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करो, आप फिर जो भी लिखोगे वो कमेंट लाइन में लिखा जाएगा। ये सिंगल लाइन के लिए होता है। अगर आप मल्टी लाइन के लिए लिखना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्लैश आपको प्रेस करना होगा, तब आप मल्टी लाइन के लिए लिख सकते हो बड़ी इजीली। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक कमेंट लिखना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जब भी कोई कोड करते हो, तो कमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि लाइक जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका कोई यहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है, या फिर आपने इसमें
एंटर करा हुआ है कुछ, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कमेंट में कि दैट वी आर टेकिंग सम इनपुट फ्रॉम यूज़र, या फिर आप यहाँ पे कोई स्वैप ऑपरेशन कर रहे हो या वैल्यू पुश कर रहे हो, तो जो भी वो आप अगर कमेंट लिखते हो तो ये इम्पैक्ट करता है, ये बेस्ट प्रोग्रामर या और बेस्ट कोडर की ये पहचान होती है। सो आप कमेंट लिखना मत भूला करें, कमेंट जरूर लिखा करें, एंड प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है फॉर अ कोडर, नॉट फॉर ओनली जावा। अगर किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोड कर रहे हो, तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और पाइथन की बात करें तो इसमें इंडेंटेशन एरर भी आता है, तो फॉर्मेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज़ फॉर टू मूव द स्टेटमेंट अप और डाउन। तो उसके लिए आप अल्ट प्लस अप डाउन एरो की प्रेस कर सकते हो, तो उससे आपका स्टेटमेंट जो होगा अप और डाउन मूव होगा। एंड द नाइन्थ शॉर्टकट की इज़ अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आर, दिस इज़ फॉर रिफैक्टरिंग अ वेरिएबल। रिफैक्टरिंग इज़ ऑफ्टन यूज interchangeably with renaming to refactor a variable is to change its name throughout the entire application. Okay, so these all are the shortcut keys, and if you like this information hit the like button, and ऐसे ही videos के लिए subscribe करें easy apply को। आपको यहाँ regularly job openings मिल जाएंगी, आपको assessment, interview questions and interview preparation guide, and if you're looking for placement drives and placement tips, so this channel will be very helpful to you, and upcoming videos will very helpful to you. So do not forget to subscribe Easy Apply and join the Telegram group to get regular update. वहाँ पे भी मैं job update देता रहता हूँ। If you are looking for any particular programming language, उससे related job, तो मैं उससे related job भी provide करूँगा, and आपको particular interview question या फिर preparation की चीज़ें वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। So आप regularly Easy Apply के साथ बने रहेंगे study guide के लिए, study material and jobs के लिए। So आपको रेगुलर अपडेट रहता है, सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम इंस्टाग्राम की, तो टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। एंड डू यू फाइंड इट यूज़फुल, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी सो लेट मी नो इन कमेंट्स, सो आप मुझे बताओ। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कोई गलती हुई हो शॉर्टकट की इसको लेकर, तो आप वो भी बता सकते हो। So I will look for that and I will improve. जो भी अगर आपको particular programming language से related concern है, particular domain की बात करें, जैसे software development में आप बात कर लो, analyst की बात कर लो, DBA की बात कर लो, तो ऐसे अगर particular, या accounting finance की बात कर लो, तो ऐसे किसी particular domain या background, educational background से related आपको job चाहिए या फिर कोई query concern है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपकी help करूँगा। So I'm here for you guys, I will help you all. And I will try my best to help you. And so, thanks for watching this video. Thank you so much, and best of luck for your future.